children. How are you? Fine. Now we already finished our chapter 1 to 5, and today we are going to start chapter number 6, the junk seller. Children, in your mind, question is, what is the meaning of junk? Junk means kabad. मतलब हमारे घर में अगर मम्मी सॉस की बॉटल लाती है, ऑयल लाती है, तो वो फिनिश हो जाता है, तो फिर वो हम अपने घर में नहीं रखते हैं, उसको हम क्या करते हैं, जंक सेलर को बेच देते हैं. सुबह सुबह अगर आप अपने घर पे होते हो तो आप सुनते हो कबाड़ी वाला आता है. जंक सेलर मीन्स कबाड़ वाला, और जंक मीन्स कबाड़, जो यूजलेस चीज है हमारे लिए, कि वो खत्म हो जाए. अगर सॉस हमारा खत्म हो गया है, ऑयल हमारा खत्म हो गया है, तो उसकी जो बॉटल है, उसका जो टिप्पा है, वो हम संभाल के नहीं रखते, वो हम बेच देते हैं. हमारी मम्मियाँ इतनी एक्सपर्ट है कि वो कोई भी चीज़ ऐसे ही फेंकती नहीं है. तो अगर वो हम जंक सेलर को बेचते हैं और जंक सेलर हमको इसके पैसे देता है, जैसे कि प्लास्टिक है, पस्ती है, पेपर है. पेपर आज हमने पढ़ा है, पर कल वो जो उसमें जो न्यूज़ है, इट इज़ अ मतलब हमने पढ़ लिया है, तो फिर वो हमारे काम का नहीं है. तो जो जंक सेलर होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे पास से जो जंक है, मतलब प्लास्टिक है, आयरन है, पस्ती है, पेपर है, मतलब वो ले जाते हैं और बिग फैक्ट्रीज में उसको बेचते हैं, हमको उसके पैसे मिलते हैं. हमारे लिए तो वो यूजलेस चीज है, बट अगर हम जंक सेलर को वो देते हैं तो वो हमारे लिए हमको उसके पैसे मिलते हैं. और वो जो जंक सेलर होते हैं वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में उसको रॉ मटेरियल की तरह देते हैं. मतलब प्लास्टिक की बॉटल है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती. अगर आप कहीं में भी प्लास्टिक डाल दोगे तो वो सालों साल तक ऐसा का ऐसा ही रहेगा. बट जंक सेलर क्या करते हैं, वो लेके बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जहाँ पे प्लास्टिक की ज़रूरत होती है, वहाँ पे वो ले जाते हैं और वहाँ पे उसको रिसाइकल करते हैं, और रिसाइकल करके उसमें से छोटे छोटे मतलब बॉल्स बनाते हैं, और उसमें से फिर नई चीज बनती है. सो जंक सेलर जो है वो बहुत बड़ा काम करते हैं. यहाँ पे इन दिस चैप्टर द जंक सेलर देयर इज अ वन स्टोरी, ट्रू स्टोरी है, और हु हैज अ जंक शॉप इन अ पटना. पटना में एक जंक सेलर है, लेडी जंक सेलर है, और उसकी एक स्टोरी दी हुई है. वो अपना जो जंक है वो कैसे बेचती है, कैसे वो लोडिंग करती है, ट्रांसपोर्टेशन, वो सब लेके, उसकी जंक सेलर की स्टोरी लेके यहाँ पे कुछ आपको कॉन्सेप्ट है कि आपको ये उसमें पढ़ना है, लर्न करना है, सीखना है. तो इन द मैथ्स इट इज अ रियल लाइफ मैथ्स, मीन्स आपको मैथ्स जो है वो हर जगह पे काम लगता है. तो ये जो चैप्टर है वो आपकी रूटीन लाइफ में, आप कहीं पे भी अगर कोई भी चीज बेचने जाओगे, कोई भी चीज लेने जाओगे, तो वहां पे आपको कन्वर्जन इसमें करना पड़ता है, रुपीज और पैसा में. तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कन्वर्जन, रुपीज एंड पैसा, पैसा इंटू रुपीज, देन मल्टीप्लीकेशन, टू डिजिट एंड थ्री डिजिट. देर इज अ टू मैथड, वन इज अ ट्रेडिशनल मैथड एंड वन इज कॉलम मैथड, एंड प्रॉफिट एंड लॉस, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कन्वर्जन. चिल्ड्रन यू आर नो वेरी वेल, वन रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा, राइट. सो यहाँ पे आप कन्वर्ट रुपीज इंटू पैसा एंड पैसा इंटू रुपीज, देन रुपीज एंड पैसा है उसको ओनली पैसे में कन्वर्ट करना है, और पैसा है उनको रुपीज और पैसे में कन्वर्ट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू दिस हियर 5 रुपीज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा. Now, 5 rupees is equal to 5 multiplied
वन मैं ऐसे लिख सकती हूँ, फाइव रुपीज है, फाइव वन जा फाइव, राइट, फाइव रुपीज, सो वन रुपीज. नाउ वन रुपीज इज इक्वल टू हंड्रेड पैसा, सो फाइव एंड इंस्टेड ऑफ वन रुपीज आई राइट हंड्रेड पैसा, सो फाइव मल्टीप्लाई हंड्रेड, हंड्रेड फाइव जा फाइव हंड्रेड पैसा, राइट, अंडरस्टैंड स्टूडेंट. नाउ सेकंड ट्वेल्व रुपीज, वन रुपीज आई राइट इन शॉर्ट, वन रुपीज इज इक्वल टू हंड्रेड पैसा, सो ट्वेल्व रुपीज इज इक्वल टू ट्वेल्व मल्टीप्लाई वन, वन रुपीज. नाउ वन रुपीज इज इक्वल टू हंड्रेड पैसा, सो ट्वेल्व मल्टीप्लाई हंड्रेड इज इक्वल टू ट्वेल्व हंड्रेड पैसा, राइट. नाउ कन्वर्ट पैसा इंटू रुपीज, फर्स्ट ऑफ ऑल हंड्रेड पैसा, नाउ वी राइट फर्स्ट ऑफ ऑल पैसा लिखेंगे और बाद में रुपीज लिखेंगे, सो हंड्रेड पैसा इज इक्वल टू वन रुपी, सो नाइन हंड्रेड पैसा इज इक्वल टू, नाउ सी मैं ऐसे लिख सकती हूँ नाइन मल्टीप्लाई हंड्रेड, अंडरस्टैंड, नाइन मल्टीप्लाई हियर फाइव मल्टीप्लाई हंड्रेड, सो फाइव हंड्रेड, सो हम नाइन हंड्रेड पैसा इज इक्वल टू नाइन मल्टीप्लाई हंड्रेड. नाउ हंड्रेड पैसा, नाइन हंड्रेड पैसा है, सो हंड्रेड पैसा नाइन पैसा, नाउ नाइन हंड्रेड पैसा इज इक्वल टू वन रुपीज, सो नाइन मल्टीप्लाई वन रुपीज इज इक्वल टू नाइन रुपीज, अंडरस्टैंड. सेकंड नंबर हंड्रेड पैसा इज इक्वल टू वन रुपीज, सो फिफ्टीन हंड्रेड पैसा इज इक्वल टू फिफ्टीन मल्टीप्लाई हंड्रेड, हंड्रेड पैसा इज इक्वल टू वन रुपीज, सो फिफ्टीन मल्टीप्लाई वन रुपीज, सो फिफ्टीन वन जा फिफ्टीन, फिफ्टीन रुपीज. Understand children? Now this is for you new. यहाँ पे सेवन रुपीज एंड फिफ्टी पैसा और आपको इनटू पैसा पैसे में कन्वर्ट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल फिफ्टी पैसा इज ऑलरेडी गिवन पैसा, राइट, सो ओनली टू बी कन्वर्ट द सेवन रुपीज इन पैसा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वन रुपीज इज इक्वल टू हंड्रेड पैसा, सी कन्वर्ट रुपीज इंटू पैसा एज इट इज यहाँ पे हमको करना है, सो सेवन रुपीज इज इक्वल टू सेवन मल्टीप्लाई वन, सेवन मल्टीप्लाई वन रुपीज इज इक्वल टू हंड्रेड पैसा, सो सेवन हंड्रेड पैसा. नाउ चिल्ड्रन फिफ्टी पैसा इज ऑलरेडी गिवन, सो सेवन हंड्रेड पैसा प्लस फिफ्टी पैसा, सेवन हंड्रेड पैसा प्लस फिफ्टी पैसा, सो वी गेटिंग आंसर इज सेवन हंड्रेड फिफ्टी पैसा, राइट. नाउ सेकंड नंबर टेन रुपीज सेवेंटी फाइव पैसा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वन रुपीज इज इक्वल टू हंड्रेड पैसा, टेन रुपीज इज इक्वल टू टेन मल्टीप्लाई हंड्रेड, वन रुपीज इज इक्वल सॉरी वन रुपीज टेन, वन रुपीज इज इक्वल टू हंड्रेड पैसा, सो टेन मल्टीप्लाई हंड्रेड, सो आंसर इज थाउजेंड पैसा, वन टू थ्री, थ्री जीरो पीछे लगाने पड़े,
Now already 75 paisa हमारे पास है, so 1000 paisa plus 75 paisa is equal to 1075 paisa, right? Now here paisa is given, convert into rupees and paisa. अब यहाँ पे ध्यान देना, 1525 paisa है. अब आपको इसको ऐसे सेपरेट करना है कि we get two zeros, पीछे हमको two zero मिले. So I write this way, 1500 paisa plus 25 paisa. Right? See here, 1500 plus 25. So हमारे पास जो नंबर है वो हमको मिल गया है, right? So 15 पैसा plus 25 पैसा. Now पैसा है, पैसा अब यहाँ पे देखो 20 मिल गया, तो मैं इसको रुपीस में कन्वर्ट कर सकती हूँ, right? So 100 पैसा is equal to 1 rupees. So 1500 paisa is equal to 15 multiply 100. 100 को मैंने सेपरेट किया यहां से, so 100 paisa is equal to 1 rupees. So 15 multiply 1 is equal to 15 rupees. Now 100 paisa is equal to 15 rupees. So answer is 15 rupees and 25 paisa. Right? So we convert 1525 paisa into 15 rupees 25 paisa. Now 850 paisa. इसको भी हम ऐसे सेपरेट करेंगे, 800 पैसा प्लस 50 पैसा. नाउ 800 पैसा कन्वर्ट इनटू रुपीस. 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी. सो 800 पैसा इज इक्वल टू 8 × 100. Now 100 paisa is equal to 1 rupees. So 8 × 100. So 100 की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1. Now 8 rupees. So children, 8 rupees and क्या मिलेगा मुझे, 50 पैसा. 8 rupees 50 पैसा. I hope you can understand properly. Bye bye.